नमस्कार दोस्तों, टाटा हैरियर रेड ब्लैक एडिशन आप अभी देख रहे हैं। गाड़ी लुक्स में देखिए भाई साहब, काफ़ी ज़्यादा शानदार लग रही है। पहले ब्लैक में तो काफ़ी ज़्यादा शानदार लगती थी, अभी जो रेड इंसर्ट्स गाड़ी के अंदर दिए गए हैं ये इसको काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लेवल के बना रहे हैं। तो रेड ब्लैक एडिशन में खास तौर पर चेंजेस वगैरह क्या आपको मिलते हैं वो मैं आपको अभी यहाँ पर दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, # डार्क की बैजिंग तो आपको मिलती है लेकिन रेड में मिलती है। ये रेड का क्या है कॉम्बिनेशन मैं आपको अभी यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखिए कम्प्लीटली रेड थीम यहाँ पर दी गई आपको इंटीरियर्स में, जिससे कि एक स्पोर्टी लेवल का कैरेक्टर ये गाड़ी को दे रही है। पहले कम्प्लीटली ब्लैक में आती थी, अभी रेड का कॉम्बिनेशन भी इसमें किया हुआ है, तो इसी वजह से इसके रेड ब्लैक एडिशन कहा जाता है। गाड़ी के भाई साहब लुक्स आप देखिए, काफ़ी ज़्यादा शानदार लग रहे हैं। इस गाड़ी की ऑन रोड प्राइसिंग आपको कहाँ तक पड़ती है, क्या चेंजेस है गाड़ी के अंदर, वो मैं आपके यहाँ पर अभी दिखा देता हूँ। गाड़ी में खासतौर पर एडास जैसे फीचर्स भी अभी ऐड किए गए हैं। गाड़ी जो है ना रोड प्रेजेंस के मामले में काफ़ी ज़्यादा शानदार लगती है। की अगर आप देखेंगे तो ये कुछ ऐसी की आपको टाटा हैरियर के अंदर यहाँ पर आपको देखने मिलती है, टाटा की ब्रांडिंग की में पीछे। और गाड़ी के अंदर आपको स्मार्ट की मिलती है, लॉक ऑन लॉक के बटन से, फॉलो मी हेडलाइट्स के बटन है और बूट खोलने के बटन है। सामने की तरफ आपके पास में क्या है, टर्न इंडिकेटर्स से, HID में, प्रोजेक्टर में लाइट्स है, हैलोजन में, हाई परफॉर्मेंस लाइट्स भी आपके पास में अवेलेबल है। यहाँ पर जो है ना रेड इंसर्ट्स आपको मिलते हैं, कम्प्लीटली ब्लैक फिनिश में ग्रिल है आपके पास में। गाड़ी के अंदर आपको 360 कैमरा मिलता है, एक कैमरा यहाँ पर आता है, दो कैमरे मिरर्स पर आते हैं और जो इसका चौथा कैमरा है वो बैक की तरफ आता है, जिससे कि 360 कैमरा का व्यू भी आप गाड़ी के अंदर देख सकते हैं। साइड का प्रोफाइल अगर आप देखेंगे ये कुछ कम्प्लीटली साइड का प्रोफाइल है। व्हील्स अगर आप देखेंगे तो 18 इंच के व्हील्स आपको गाड़ी के अंदर मिलते हैं। रेड कैलिपर भी इसमें आपको दिए गए हैं, जैसे कि स्पोर्टी लेवल का कैरेक्टर गाड़ी को बना देता है। यहाँ पर आपको # डार्क की बैजिंग मिलती है। मिरर्स अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉनिकली फोल्डेबल है और यहाँ पर भी एक कैमरा आपको मिलता है, दोनों ही मिरर्स पे एक एक कैमरा आपको मिलेंगे। ऐसे टोटल 4 कैमरास गाड़ी के अंदर आपको मिल जाते हैं। सेफ्टी के मामले में काफ़ी ज़्यादा टॉप नॉच लेवल की सेफ्टी के साथ में आती है। हैरियर, ABS, ABD, ESP, ब्रेक असिस्ट, हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, रोल ओवर मेटिगेशन, ब्रेक असिस्ट का भी फंक्शन है और टोटल 6 एयरबैग जो है गाड़ी के अंदर आपको मिल ही जाती है। पीछे के व्हील्स अगर आप देखेंगे तो इसमें भी डिस्क ब्रेक्स के साथ में रेड कैलिपर आपको मिलते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लगते हैं। पीछे का प्रोफाइल ये कुछ है गाड़ी का, क्रिस्टल इफेक्ट के साथ में टेल लाइट से यहाँ पर थोड़ा सा फेक डिफ्यूज़र दिया हुआ है। स्पेयर व्हील आपको नीचे की तरफ मिलता है और ग्राउंड क्लियरेंस भी गाड़ी का एक तरीके से काफ़ी अच्छे लेवल का आपको मिलता है। रिवर्स कैमरा यहाँ पर है आपके पास में। ऊपर की तरफ आपके पास में क्या है, शार्क फिन है, हाई माउंट स्टॉप लाइट है, रियर वाइपर, वॉशर, डिफॉगर सब कुछ आपके पास में यहाँ पर मिल ही जाता है। 425 लीटर्स का बूट स्पेस आपके पास में अवेलेबल है। यहाँ पर JBL का सब वूफर आपके पास में है। स्पेस काफ़ी अच्छी है, यहाँ पर भी स्पेस आपको मिल जाती है। टूल किट वगैरह जो आपको मिलेगी वो यहाँ पर मिल जाती है। इसको हम अभी क्लोज करते हैं और काफ़ी ज़्यादा हैवी है इसका जो कुछ टेलगेट है। साइड का प्रोफाइल ये कुछ है कम्प्लीटली आपको यहाँ पर देखने नहीं मिलता है। 50 लीटर्स का फ्यूल टैंक है आपके पास में, जिसे आप डायरेक्टली बाहर से ही खोल सकते हो, अंदर से खोलने की ज़रूरत नहीं है आपको। अंदर अगर हम चलेंगे इसमें, अंदर का अगर डोर खोलकर देखेंगे तो ये कुछ कम्प्लीटली रेड इंसर्ट्स के साथ में सीट्स का जो लेआउट आपको ये यहाँ पर देखने को मिलता है। पीछे के डोर्स के ऊपर क्या कंट्रोल से, JBL के ट्विटर्स से, पावर नोज के कंट्रोल ले और रेड का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिया हुआ है। कम्प्लीटली लेदर फिनिश है आपके पास में यहाँ पर। स्पीकर्स का सिस्टम है, थोड़ी बहुत स्पेस आपको यहाँ पर मिल जाती है। पीछे की सीट्स आप देखिए, दो इसमें एडजस्टेबल हेडरेस्ट है आपके पास में और 60-40 सीट्स का भी फंक्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है। अगर हम इसमें अंदर की तरफ बैठेंगे ना तो स्पेस के मामले में कोई भी दिक्कत नहीं है, काफ़ी अच्छी स्पेस हैरियर आपको ऑफर करती है। 3 लोग यहाँ पर काफ़ी आराम से बैठ सकते हैं। ऊपर की तरफ कम्प्लीटली लाइट्स है आपके पास में, कम्प्लीटली पैनारोमिक सनरूफ है जो कि काफ़ी अच्छा व्यू आपको ऑफर करती है। पीछे के पैसेंजर्स के लिए क्या है आपके पास में, USB का पोर्ट है और टाइप सी का भी पोर्ट आपके पास में यहाँ पर अवेलेबल है। थोड़ी बहुत स्पेस आपको मिलती है। पियानो ब्लैक फिनिश आपके पास में यहाँ पर अवेलेबल है। पीछे के पैसेंजर्स के लिए AC के वेंट्स भी है। टोटल गाड़ी के अंदर 6 एयरबैग आपको मिलती है। आइए अभी ड्राइवर साइड डोर खोलते हैं। कीलेस एंट्री है ड्राइवर साइड डोर के ऊपर और अगर आप इंटीरियर का लेआउट देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इंटीरियर का लेआउट आपको मिलता है। कम्प्लीटली रेड लेदराइट में अपहोल्स्ट्री है जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगती है। ड्राइवर साइड डोर के ऊपर क्या कंट्रोल्स है आपके पास में, मिरर को आप ऐसे फोल्ड कर सकते हो, ये कुछ डोर हैंडल्स आपको मिलते हैं। 1-टच अप डाउन विंडो है आपके पास में अवेलेबल। डार्क क्रोम के अंदर डोर हैंडल्स यहाँ पर डार्क क्रोम में आते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम में लगते हैं। थोड़ी बहुत स्पेस है, स्पीकर्स का सिस्टम है। सीट्स अगर आप देखेंगे वेंटिलेटेड सीट्स है आपके पास में, जैसे आप वेंटिलेशन का भी ऑन ऑफ करने का फंक्शन है। मेमोरी फंक्शन सीट्स है ड्राइवर के लिए, पैसेंजर के लिए नहीं आएंगे लेकिन ये मेमोरी फंक्शन भी आपके पास में यहाँ पर अवेलेबल है। अंदर जब आप बैठते हो ना तो काफ़ी अच्छी पोजीशन पर आप बैठते हैं, कुछ ऐसा व्यू आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। स्टेयरिंग व्हील अगर आप देखेंगे ना तो कम्प्लीटली टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों ही वे में आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। कम्प्लीटली लेदर रैप में स्टेयरिंग व्हील है। बोनेट आपको कम्प्लीटली अंदर से विजिबल होता है, बम्पर टू बम्पर गाड़ियों को आप इसमें से देख सकते हैं। डैशबोर्ड अगर आप देखेंगे ना तो कम्प्लीटली लेदर का टच, सॉफ्ट टच डैशबोर्ड है आपके पास में यहाँ पर अवेलेबल। स्टेयरिंग व्हील के ऊपर क्या कंट्रोल्स है, म्यूजिक सिस्टम के सभी कंट्रोल्स आपको ये यहाँ पर मिल जाते हैं। म्यूजिक सिस्टम को आप यहाँ से
कंट्रोल कर सकते हो। इस तरफ आपके पास में MID को कंट्रोल कर सकते हो, क्रूज़ कंट्रोल के रिलेटेड सभी कंट्रोल्स आपको मिलते हैं, हॉर्न कुछ इस प्रकार से आपको मिलती है। अंदर अगर आप देखेंगे ना तो कम्प्लीटली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है आपके पास में, इसमें काफ़ी सारे बदलाव किए गए हैं। इस तरफ ये आपको RPM बताएगा। मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले के अंदर काफ़ी सारे फंक्शन आपको ये शो करता है, जैसे कि ड्राइविंग असिस्टेंस आपको ये अभी दिखा रहा है, आप यहाँ से इसे कंट्रोल कर सकते हो। व्हीकल इन्फॉर्मेशन है, नोटिफिकेशन, नेविगेशन, लेआउट वगैरह काफ़ी सारे फंक्शन आपको यहाँ पर जो कुछ शो कर देता है। 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको यहाँ पर दिया हुआ है। गाड़ी के अंदर टोटल आपको 4 स्पीकर्स मिलते हैं, 4 ट्विटर्स मिलते हैं और एक सबवूफर मिलता है, जो कि बूट में आपको मैंने दिखाया था। टच रिस्पॉन्स एक तरीके से मतलब डिसेंट लेवल का आपको मिलता है यहाँ पर। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ब्लूटूथ वगैरह की सारी ही कनेक्टिविटी आपको इसके अंदर मिल जाती है। मोबाइल की तरह ही आप इसे मतलब कंट्रोल कर सकते हो। ऊपर की तरफ अगर आप आएंगे तो नोटिफिकेशन वगैरह के सभी कंट्रोल्स वगैरह आपको मिलते हैं। सराउंड व्यू है आपके पास में, 360 डिग्री व्यू अगर आप देखना चाहते हो तो कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। टोटल 4 कैमराज है गाड़ी में, हर एक एंगल का व्यू कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं। 3D व्यू अगर आप देखना चाहते हैं ना तो ये कुछ इस प्रकार से भी आप देख सकते हैं, ये कुछ इस प्रकार से आपको दिखाएगा। और एक्यूरेसी के मामले में भी काफ़ी एक अच्छी लेवल की एक्यूरेसी आपको इसके अंदर मिल जाती है। नीचे आपके पास में क्या है, फॉग लाइट्स के कंट्रोल है, हज़ार लाइट्स के कंट्रोल है, और स्पोर्ट्स और इकोनॉमी के भी सभी कंट्रोल्स है। स्पोर्ट्स मोड अगर दबाएंगे, स्पोर्ट ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, यहाँ पर जो भी कुछ मोड्स वगैरह आते हैं गाड़ी में वो सारे फंक्शंस डायल वगैरह आपको यहाँ पर देखने मिलते हैं। हिल डिसेंट कंट्रोल का भी फंक्शन है आपके पास में यहाँ पर। नीचे की तरफ जो है ना वायरलेस चार्जिंग का पैड है आपके पास में, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अंदर की तरफ ये यूज़ करने के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है यहाँ पर, इसे ज़रूर यहाँ पर चेंज करना चाहिए। ये इसका 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है, ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल है। पार्किंग ब्रेक का कंट्रोल है, ऑटो होल्ड का फंक्शन है आपके पास में, यहाँ पर थोड़ी बहुत स्पेस आपको मिलती है। आर्मरेस्ट अगर आप देखेंगे लेदर रैप में आता है, इसके अंदर भी कूलिंग का सिस्टम आपको मिलता है, ड्रिंक वगैरह आप यहाँ पर रख सकते हैं। 12 का चार्जिंग पोर्ट है, USB का भी पोर्ट है और टाइप सी का भी पोर्ट है आपके पास में। फ्रंट डैशबोर्ड देखेंगे, थोड़ा बहुत एक थीम आपको मिलता है, ग्लो बॉक्स है जिसके अंदर थोड़ी बहुत स्पेस भी आपके पास में यहाँ पर अवेलेबल है। ऊपर की तरफ आपके पास में क्या है, ऑटो डिमिंग, रियर व्यू मिरर है, सभी सनरूफ के रिलेटेड आपके पास में यहाँ पर कंट्रोल्स है। कर्टन हम अभी यहाँ पर लगा देते हैं, एनारोमिक सनरूफ है कम्प्लीटली। पीछे की तरफ से व्यू जो आपको मिलता है वो कुछ इस प्रकार से मिलेगा। आइए अभी बाहर की तरफ चलते हैं, बाहर की डोर अगर आप खोलेंगे ना तो कुछ इस प्रकार से डायल आपको बताता है। आइए फ्रंट बोनेट गाड़ी का खोलकर देखते हैं। बोनेट खोलने का लीवर आपको यहाँ पर मिलता है। गाड़ी के अंदर आपके पास में एक इंजन का ऑप्शन है, 2 लीटर क्रायोटेक 4 सिलेंडर डीजल इंजन का। बोनेट भाई साहब काफ़ी ज़्यादा हेवी है और काफ़ी ज़्यादा गर्म भी है और कम्प्लीटली इंस्टॉलेशन भी है बोनेट के ऊपर। इंजन का लेआउट आप देख लीजिए, बोनेट में अभी इसका क्लोज कर देता हूँ। 2 लीटर क्रायोटेक 4 सिलेंडर डीजल इंजन है गाड़ी के अंदर, जो कि 170 PS की पावर बनाता है, 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। ऑटोमेटिक मैनुअल दोनों का ही ऑप्शन आपको गाड़ी के अंदर जो कुछ है मिल जाता है। बाकी हम अगर गाड़ी के ऑन रोड प्राइसिंग की बात करें, 26,50,000 रुपीज़ तक का ऑन रोड ये वाला वेरियंट आपको पड़ता है, XZ प्लस मैनुअल वेरियंट आपने अभी ये देखा रेड डार्क एडिशन के अंदर, जो कि लुक्स के मामले में काफ़ी ज़्यादा बेहतर लग रहा है यहाँ पर। आपको कैसा लगा आप ज़रूर हमें नीचे कॉमेंट्स में बता सकते हैं। स्टर्लिंग मोटर अहमदनगर में आप आ सकते हैं गाड़ी के टेस्ट राइड के लिए। शोरूम की जो सारी कॉन्टैक्ट डिटेल है आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। बाकी हैरियर रेड डार्क आपको कैसे लगी आप बताइए हमें नीचे कमेंट्स में। थैंक यू।